तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, बीएससी नर्सिंग 2024 की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी इसको लेकर अभी तक साइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को साइट ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ पर जाता हूँ और कर लेता हूँ साइट को ओपन। यहाँ पर आप जो है साइट के ऊपर देखो, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है ना। और कब आएगा कब नहीं आएगा उसका भी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 10 अक्टूबर तक आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 10 अक्टूबर तक कैसे, तो देखो अभी देखो अगर रियल में बात बताऊं तो देखो, ना तो किसी यूट्यूबर के पास में है या कहीं पर भी आप जाओगे तो सब आप लोगों को जो है एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे कि इस तारीख को हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा आप लोगों का यहाँ पर RUHS की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आप लोगों का क्या आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तब जाकर ही माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये डेट दे रखी थी ना, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड की डेट, और जो लास्ट जो विंडो थी वो कब तक चालू रहेगी, वो जैसे डेट दे रखी थी ना, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट के अंदर जो डेट है काउंसलिंग की वो आप लोगों की यहाँ पर दिखाई देगी। और इसके बाद में यहाँ पर, ठीक है ना, आप लोगों का एक नया ऑप्शन खुलकर आ जाएगा जिसमें कि आप लोगों का ये बताया जाएगी कि काउंसलिंग कैसे आप लोगों को करनी है और कैसे क्या करनी है। तो ये रिजल्ट वाला सेक्शन था, यहाँ पर रिजल्ट के आप लोग नंबर डालोगे वो डालोगे तो सारा आप लोगों का जो रिजल्ट है वो खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखो, काउंसलिंग 10 अक्टूबर तक आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन आप लोगों को नहीं करनी। कैसे होगी उसका प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो कैसे होगी काउंसलिंग के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों का। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के अंदर क्या रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि काउंसलिंग के अंदर क्या क्या आप लोगों का नोटिफिकेशन में जो है रहने वाले। तो सबसे पहले तो डेट आप लोगों की क्या रहेगी, ठीक है ना, क्या डेट रहने वाली है और कब से कब तक काउंसलिंग चलने वाली है, कब से कब तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड कब से कब तक चलेगी, सेकंड राउंड कब से कब तक चलेगी और थर्ड राउंड कब से कब तक चलेगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक जो नोटिफिकेशन था उसमें यह बताया गया था कि 31 अक्टूबर तक तीनों राउंड की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, बट अभी तक अक्टूबर जो है उसकी आज 5 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक तो काउंसलिंग का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है कि 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और एडमिशन भी हो जानी चाहिए। तो देखो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक मंथ के अंदर अंदर ये, मतलब 25 दिन बचे हैं अभी, और 25 दिन के अंदर 5 से 7 दिन तो काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में लगेंगे। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी फिर 3-4 प्रोसेस होती है उनमें, तो जो 31 अक्टूबर तक तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ही हो पाएगी। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जो है आप लोगों के दिसंबर तक जाएंगे, ठीक है ना, दिसंबर तक आप लोगों के जाने वाले हैं सेकेंड और थर्ड राउंड। कैसे जाएंगे वो आप लोगों को पता लग जाए, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है ऑलरेडी 1 से 2 महीने, मतलब हम 2 महीने लगभग मान लेते हैं आप लोगों का जो सेशन है वो लेट हो चुका है, क्योंकि अब जो है आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, तो सेमेस्टर सिस्टम में हर 6 महीने में आप लोगों की एग्जाम लगती है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर ही लेट हो गया तो फिर आप लोगों कैसे तो पढ़ोगे और कैसे क्या करोगे। इसलिए अब मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ही, ओनली यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तीनों चारों की क्लासेज जो है यूट्यूब पर हम फ्री लानेंगे, जिसमें कि हम जो आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों की एनाफिजियो, और अगर मैं यहां पर बात करूं एनाफिजियो और जो दूसरा आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा सोशियो साइको, सोशियो साइको आप लोगों के जो सब्जेक्ट रहने वाला है, उन दोनों की क्लासेज अभी आप लोगों की 10 तारीख के बाद में स्टार्ट कर दी जाएगी यूट्यूब पर। इसके अलावा फिर आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी, जो आप लोग कमेंट में कर दोगे कि
कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो हमें पहले चाहिए, तो उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को पहले मिल जाएगी, ठीक है ना। ये भी आप लोगों के पास में ऑप्शन रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अब जो आप लोगों की काउंसलिंग का क्या नोटिफिकेशन है और कैसे, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अगर काउंसलिंग करवाना चाहता है अभी भी, तो उसको क्या करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना, ओनली मैसेज, वो भी व्हाट्सएप पर, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और पेमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ आप लोगों को टीम बता देगी। तो सिर्फ अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी मैं जो आप लोगों को नंबर बताया है, अभी मैंने आप लोगों को जो नंबर बताया है वो नंबर आप ध्यान रखना 9828306559, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप लोगों को मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करोगे आप लोगों के पास में पॉपअप आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को करना है, और उसके लिए आप लोगों की हम जो काउंसलिंग की फीस है वो रख रहे हैं 500 रुपये। इसमें हम आप लोगों की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों काउंसलिंग करने वाले हैं, ठीक है ना, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसको भी करवानी वो करवा सकता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर नंबर नहीं आता है तो क्या करना है, तो उसके अलावा भी मैं आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और वो ये चाहता है कि भैया हमारा जो है, अगर हमारा जो है बीएससी नर्सिंग के अंदर, बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता है, तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन रहेंगे, तो मैं आप लोगों को पैरामेडिकल के एचओडी उनसे आप लोगों को मिलवाऊंगा। और बहुत सारे पैरामेडिकल के अंदर कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं और अच्छा इनकम आप लोगों की वहां से भी होगी। जितना आप बीएससी नर्सिंग में कमाओगे वो आप पैरामेडिकल के अंदर कोई सा भी एक कोर्स करो, डिप्लोमा कोर्सेज करो और आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं वहां से भी। 2 साल का डिप्लोमा होता है आप लोगों का, कोई 2 का है कोई 3 का है, 2 साल के ज्यादातर रहते हैं, 2 साल का डिप्लोमा करो और अच्छी इनकम आप लोगों की वहां से बनेगी। 45,000, 50,000, 60,000 तक आप लोगों की सैलरी जाने वाली है। तो क्या क्या कोर्सेज रहने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है उनको, कैसे क्या आगे करना है वो सारी चीज़ हम बताते रहेंगे। लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब मैं आप लोगों को तुरंत यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ, जो हमारा ऐप है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे डिटेल से ऐप के बारे में बताऊंगा। ऐप कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और वहां जाकर आप लोगों को सर्च करना है साइंस क्लब दौसा। ऐप सबसे ऊपर ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा, उसको डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना। उसके बाद में क्या करना है वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो नए हैं, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब करो, और ताकि आप लोगों को नेक्स्ट और भी इन्फॉर्मेशन अगर जिनको चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट्स को जिन भी तरीके का डाउट है, डाउट अगर आपको है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर दो,
नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर जो है हम बना देंगे कि क्या आप लोगों के डाउट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए रखने वाले हैं। तो काउंसलिंग को लेकर जितने भी डाउट थे मैंने आप लोगों के बता दिए हैं। बाकी अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहे तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।